नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हम बात कर रहे हैं नाजरीन से जो तीसरे लेवल पे हैं. पहला सवाल है, उनकी तीनों लाइफ लाइन जा चुकी हैं. उन्होंने जो सवाल को फ्लिप किया था वो ये था, यजीद के हुक्म से जब मक्का पर हमला हुआ तो उस वक्त मक्के का हाकिम कौन था. उन्होंने बी अब्दुल्ला इब्ने उमर को महफूज किया. आइए देखते हैं वो सही जवाब होता क्या, उनका लाइफ लाइन लेना सही था या नहीं. आपको बता दूं बी गलत जवाब होता, डी मरवान इब्ने हकाम भी गलत जवाब होता. सही जवाब है सी अब्दुल्ला इब्ने जुबैर. अच्छा हुआ आपने लाइफ लाइन का इस्तेमाल किया, वरना लाइफ लाइन यहां रह जाती हो. अगर आप गेस करते तो आप आउट हो जाते, आपके दोनों गेस गलत थे. चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया है लाइफ लाइन लेने का. आगे बढ़ते हैं, जो फ्लिप क्वेश्चन वो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. जनाबे जाफर तैयार किस जंग में शहीद हुए. आपके ऑप्शंस हैं ए जंगे सफीन, बी जंगे मौता, या फिर सी जंगे तबुक, या फिर डी जंगे अहजाब. जंगे मौता. जंगे मौता बी महफूज कर दो. श्योर कंप्यूटर बी जंगे मौता को महफूज कर दीजिए. बताइए सही जवाब है या नहीं. कहाँ पढ़ा था आपने जंगे मौता के बारे में, पढ़ा है हिस्ट्री में है जंगे मौता में. जनाबे जाफर तैयार जो है वो जब शहीद हुए थे तो यानी बहुत गिरिया कर रहे थे मौलाए कायनात, तो कहा कि नहीं दिखाया कि जिस तरीके से वो जन्नत में उड़ रहे हैं परों के साथ. जंगे मौता में जब शहीद हुए थे जनाबे जाफर तैयार तो जन्नत में परों के साथ उड़ रहे, तो मौलाए कायनात जो है वो जिस तरीके से महजून थे तो खुश हो गए थे. अच्छा बहुत गिरिया कर रहे थे. ओके बी जंगे मौता इज द करेक्ट आंसर. बहुत ही सही जवाब दिया आपने, तो फ्लिप का जो सवाल था वो आसान था. चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे लेवल का दूसरा सवाल, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. जनाबे हमीदा खातून इन में से किसकी दादी हैं. आपके ऑप्शंस हैं ए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, बी इमाम मूसा काजम अलैहिस्सलाम, सी इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम, या फिर डी इनमें से कोई नहीं. जनाबे हमीदा खातून इनमें से किसकी दादी हैं. बताइए कैसे महफूज करूं. जनाबे हमीदा खातून इनमें से किसकी दादी. जनाबे हमीदा खातून 11वें इमाम की फूफी हैं. आठवें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम. दसवें इमाम की बहन है. हमीदा खातून इनमें से किसकी दादी है. ए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, बी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, सी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, या फिर डी इनमें से कोई नहीं. अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा. याद करने की कोशिश कीजिए, ठंडे दिमाग से इत्मीनान से आपको सब आता है. जहां तक मुझे मालूम है दसवीं इमाम की बहन है ये. अच्छा तो वो किन की दादी हुई फिर. जनाबे हमीदा है खातून मोहम्मद तकील इस्लाम, आठवें इमाम तकील इस्लाम तो नहीं है. किसे महफूज करूं. बहन बताइए कैसे महफूज करूं. इनमें से कोई नहीं. डी इनमें से कोई नहीं को महफूज करूं. कंप्यूटर डी इनमें से कोई नहीं को महफूज कर दीजिए. बताइए सही जवाब है या नहीं. नाज़रीन डी इनमें से कोई नहीं गलत जवाब है. सही जवाब है सी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम. जनाबे हमीदा खातून इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, तो उसके हिसाब से सी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की दादी हुई. कोई बात नहीं, इसका जवाब आपको हमेशा याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलेंगी. बट यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं नाज़रीन. आप इतने अच्छे से पहुँची हैं और आप
सही टाइम पे आपने लाइफलाइन का इस्तेमाल किया है, वरना बहुत पहले आउट हो जाती, बट कोई बात नहीं। खुशी है इस बात की आप यहाँ आए, इतने सारा इल्म हासिल हुआ आपको और आप यहाँ से 2500 जीत कर जा रही हैं। इंशाल्लाह अगली बार आप फिर से आइएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 3 लेवल पार कर पाएंगे। ये है आपकी इनामी रकम, कॉन्ग्रेचुलेशन नाजरीन, 2500 और इतना सारा इल्म, और आपके साथ साथ जो हमें देख रहे हैं उनके भी इल्म में इजाफा हुआ है माशाल्लाह। हमारे भी उम्मीद करती हूँ कि अगली बार आप फिर से आएंगे। इट वॉज वंडरफुल हैविंग यू। नाज़रीन इनका सफर यहीं तक ही था, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट, इंटरेस्टिंग सफर, इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल विन।